जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप ही के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैंने सोचा अपनी लाइफ में एक दिन कैसा होता है आपको दिखाऊं। थोड़ी व्लॉगिंग स्टार्ट करने की सोच रहा हूं मैं, तो आज उसी से रिलेटेड अभी तो जा रहे हैं जिम, वर्कआउट करेंगे अपने दिन का। तो अभी वर्कआउट करने जा रहे हैं, वर्कआउट करके आके आज जॉब पे जाना है। ज्यादा हो गई यार एकदम से, जब आया था तब इतनी नहीं थी। जिम से वर्कआउट करके निकला बाहर, एकदम से आंख भी नहीं खुली, इतनी बुरी धूप थी। चश्मा रखा था एक थैंकफुली गाड़ी में, तो वो लगाया है। चलो अब चलते हैं घर, अपना प्रोटीन शेक पियेंगे, फिर उसके बाद नहा धो के खाना खा के ऑफिस के लिए निकलेंगे। वर्कआउट का भी ना यार एक अलग ही सिस्टम है, मतलब जब करने के लिए निकलो सुबह उठो, ये होता है कि यार वर्कआउट करने के लिए जाना है, बिल्कुल मन नहीं करता उठ के आने का। यूँ होता है, अरे रहने दे एक दिन से क्या होगा, चल ले, बिल्कुल बिल्कुल यूँ होता है कि आओ ही ना। 75 हार्ड ऑनलाइन अपलोड करना था, उस चक्कर में हो गया। उसके बाद से एक दो दिन का रेस्ट लिया, फिर आया, तब से फिर से मामला तितर बितर ही हो रखा है। कोशिश करूँगा फिर से दोबारा से बिल्कुल रेगुलर होने की अभी, बट हाँ एक बार को आने का मन नहीं करता। बट जब एक बार आप वर्कआउट शुरू करते हो ना, थोड़ा सा आपने कार्डियो कर लिया, फिर उसके बाद वेट ट्रेनिंग पे आप चले गए, थोड़ा बहुत वो करने लगे, फिर उसके बाद बहुत अच्छा लगता है अपने आप को। आपका वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है ना, तो यूं लगता है कि हाँ चलो एक अच्छे तरीके से दिन की शुरुआत हो गई, एक अचीवमेंट जो है आपका पूरा हो गया, जो आपका मन नहीं था करने का वो चीज आपने करी, तो बहुत अच्छा लगता है उसके बाद। ये चीज कहीं ना कहीं लाइफ में और चीजों में भी है, कई बार जो चीजें आपका करने का मन नहीं करता ना, पढ़ाई हो गई, वर्कआउट हो गया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मन नहीं करता, जो आपको मन में पता है कि हाँ भाई ये चीज मुझे बहुत ज्यादा फायदा देगी आगे, बट स्टिल आप नहीं करते उसे आलस की वजह से या कुछ भी है, बट जब आप उसे करते हो तब एक अलग ही अंदर से सेटिस्फेक्शन आती है। चलिए आपको दिखाता हूँ प्रोटीन शेक कैसे बनाता हूँ मैं। पहले तो एक केला प्रोटीन पाउडर खत्म होने वाला है इस बार, जो लाऊंगा इसका वेनिला फ्लेवर ही लाऊंगा। ये वाले तीन फ्लेवर थे इसमें मिक्स, बट वेनिला सबसे अच्छा लगा था, इस बार वेनिला वाला ही लाऊंगा सारा का सारा। थोड़ा डालते हैं पीनट बटर, फैट वैट जो भी होता हो केले में, पीनट बटर में या कुछ भी है, बट टेस्टी बहुत लगता है मुझे, इसलिए मैं तो भी यूज़ करता हूँ। थोड़ा वर्कआउट एक्स्ट्रा कर लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा दूध फुल क्रीम दूध ही लाते हैं, दही वगैरह जमाने में शेक वगैरह बनाते हैं, वो चीजें बनाते हैं तो बढ़िया लगता है। जब कुछ काम
काम करो ऐसा कुछ भी करो तो करने के बाद चीजें उनकी जगह पे वापस रख देनी चाहिए, जिससे क्या होता है एक तो फैलता नहीं है काम, एक बारी में ज्यादा नहीं करना पड़ता, और आपकी मम्मी या आपकी वाइफ आप पे चिल्लाती नहीं है अल्टीमेटली। तो चीयर्स, शेक पीते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर में नहाते हैं, ऑफिस का टाइम हो रहा है, फिर निकलूंगा ऑफिस के लिए, मिलते हैं आपसे बाद में। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ अपनी जॉब के लिए, 12 से 8 की शिफ्ट है आज। आपने अगर पहले वीडियोस देखी है तो एडिलेड एयरपोर्ट पे मैं जॉब करता हूँ एज एविएशन स्क्रीनिंग ऑफिसर। बट धूप बहुत है यार, आज गर्मी बढ़ गई है, बट इतनी गर्मी है ऐसे मौसम में ना बीच पे जाने में बड़ा मजा आता है। यहाँ जॉब है पर बीच पे जाए कैसे शाम को आके आपको जो चीज दिखा रहा था मैं शाम को 8 बजे दिखाऊंगा आपको एक चीज यहाँ पे, जो इंडिया से यहाँ पर आके ना जैसे आप दूसरी कंट्री में आते हो ना तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो जी आपको एडजस्ट करने में या फिर जिन चीजों को देख के आपको कहीं ना कहीं हैरानी होती है कि यार यहाँ पे ऐसे होता है वहां पे ऐसे, बहुत चीजें ऐसी होती है यहाँ पे आके। एक चीज ऐसी, एक तो जॉब में तो ऑब्वियसली थी, जो जॉब का कल्चर है ना यहाँ पे वहां से काफी बेटर है, चाहे कोई भी जॉब हो, चाहे आप यहाँ पे कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो चाहे प्राइवेट जॉब करते हो, इंडिया से काफी बेटर है जॉब का कल्चर। टेंशन नहीं है बिना बात की, सिरदर्दी नहीं देते आपको अननेसेसरी ही ना यहाँ पे, पर वही है कि कुछ चीजें ऐसी है जो इंडिया से भी यहाँ पे सीख सकते हैं, खाली जॉब जॉब में नहीं, बहुत चीजें ऐसी है। मेरे दिमाग में कई चीजें आई थी ऐसी, एक वीडियो बनाऊंगा मैं सेपरेट उस पर, कई चीजें ऐसी है जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया से बहुत सीख सकता है। जैसे बाकी चलिए जॉब शुरू करते हैं, होने वाला टाइम 11:30 हो गए, पार्किंग थोड़ी दूर है यार, एयरपोर्ट का यही पंगा होता है, एयरपोर्ट पे पार्किंग थोड़ी दूर होती है, लॉन्ग टर्म वाली भी स्टाफ पार्किंग भी थोड़ी दूर है, वहां से पार्क करके अपने चल के जाने में ही 5-10 मिनट लग जाती है। मैं आ चुका हूँ घर, अभी बज रहे हैं, बजने वाले हैं रात के 9, और आप देख सकते हैं मैं आपको बता रहा था ना, जो देखो रोशनी देखो, अभी अभी मेरे पीछे वहाँ पे सनसेट हुआ है इस तरफ, तो यहाँ पे रोशनी कितनी रहती है। ये जो चीज़ है ना, अभी यहाँ पे इसकी आदत नहीं हुई है, इंडिया में क्या था इस टाइम तक तो पूरा अंधेरा हो जाता है 7, 7:30, 8 बजे तक, तो गर्मियों में भी 7:30 तक हो जाता है, तो माइंड सेट उस हिसाब का बना हुआ था। यहाँ पे जब ऑफिस ख़त्म होता है, जैसे आज मेरी 8 बजे शिफ्ट ख़त्म हुई, वहाँ से मैं निकला, वीडियो आपको डालूंगा मैं, देखो वीडियो भी साथ साथ चला देता हूँ मैं, अभी उस टाइम पे भी सूरज निकल रहा था, सूरज निकलते निकलते मैं यहाँ पे आया हूँ, तो फील ही नहीं आती कि हाँ भाई अंधेरा हो गया, रात हो गई, डिनर का टाइम हो रहा है या फिर अब थोड़ी देर में सोने का टाइम हो जाएगा। अब ये जो आदत है धीरे धीरे पड़ेगी, जैसे वो सूरज वाली क्लॉक थी ना जो हम वैसे देख के चलते हैं, धीरे धीरे पड़ जाएगी, तो वही चीज़ है, थोड़ा ये चीज़ थोड़ी अजीब सी लगती है। बाकी चलिए आज की इस वीडियो में, आज के इस व्लॉग में इतना ही, आपको कैसा लगा ये व्लॉग ज़रूर बताना, ये नई तरीके की वीडियो, थोड़ी मेरा मन था कि थोड़ी चिल सी वाइब्स के साथ थोड़ी वीडियो बनाऊं मैं, एक बिल्कुल वो सारी चीज़ें कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे या उस तरीके से, उस वैसे नहीं, बस 1-to-1 आपसे बात करते रहें, आपके जो सवाल आए उनके मैं जवाब देता रहूं, आपकी जो भी क्वेरीज हो पूछ लेना मेरे से कमेंट में, अगले वीडियो में अगले व्लॉग में मैं उसको ज़रूर ऐड करूँगा। बाकी इसी तरीके से आपके साथ कुछ और भी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, अभी के लिए ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार बना के रखिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, हर हर महादेव।